कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को लेकर जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इंदिरा जी के संघर्ष के साथ रहा उसके बारे में कैसे कल्पना की जा सकती है कि वह इंदिरा जी सोनिया जी के परिवार को छोड़कर जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके पास ईडी है, उनके पास आईटी है, उनके पास सीबीआई है, पैसा है, इलेक्टोरल ब्रांड है। जो डर जाए उसे डरा दो, जो बिक जाए उसे खरीद लो। यहां जो बैठे हैं सभी टिकाऊ हैं, जो बिकाऊ थे वो बिक गए। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए।